हल्द्वानी शहर का वो घर जहां पर रहस्यमय तरीके से आग लगती जा रही थी। ऊर्जा निगम, अग्निशमन विभाग से लेकर पूरे प्रशासन को इस घर के काम पर लगा दिया गया था। इस घर के बारे में जिस किसी को पता लगता वो हैरान हो जाता, क्योंकि रहस्यमय तरीके से आग लगने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। घर में आग लगती जा रही थी, लेकिन अब इस रहस्यमय ढंग से लगने वाली आग से पर्दा उठ गया है। जी हाँ, फॉरेंसिक जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है और अब पता चला कि आग नाइट्रो कंपाउंड से लग रही थी। फॉरेंसिक के संयुक्त निदेशक ने लैब रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि लैब रिपोर्ट में नाइट्रो कंपाउंड परफ्यूम बॉडी स्प्रे से आग लगने की पुष्टि हुई है, जिसकी प्रस्तुत रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंपी गई है। दरअसल आपको बता दें, हल्द्वानी के तल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे के घर में बीते कुछ समय से लगातार आग लगती जा रही थी। घर में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई, मगर आग लगने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ऐसे में परिवार वाले डर के साए में गुजर बसर कर रहे थे। तमाम लोगों का भी ये कहना आया कि घर में आग दैवी शक्ति या तंत्र मंत्र की वजह से लग रही है। और जब मामले ने तोल पकड़ा तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद मौके पर पहुंचे, जहां का मुआयना किया, जिसके बाद उन्होंने फॉरेंसिक जांच के निर्देश दिए। अब फॉरेंसिक जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फॉरेंसिक के संयुक्त निर्देशक दयाल शरण ने दो टीमों के साथ घर पर पहुंचकर कई सैंपल लिए। इसके बाद उनकी जांच रुद्रपुर स्थित फॉरेंसिक लैब में करवाई, जिसके बाद अब पता चला कि आग नाइट्रो कंपाउंड से लग रही है।